आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अभी 22 थोड़ा दूर है वीरेंद्र जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के मैदान में कूदने से क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे और क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 2022 में। तो स्वाभाविक है कि ये चुनाव लड़ने के लिए उनको तैयारियां पहले से करनी होंगी और उनके पार्टियों ने पहले से यहाँ संजय सिंह को लगा रखा है। वो प्रदेश प्रभारी के तौर पर उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और मुद्दों को उठा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में लगातार 3 चुनाव जीत चुकी है। उनका जो आधार है वो यही है कि जो निचला तबका है, जो गरीब आदमी है, जो समाज का सबसे नीचे बैठा व्यक्ति है, उसको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो कैसे दी जाएं। और उन्होंने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में जनता को बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और इन छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो जनता के बीच आएंगे। और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील किया है कि वो उनको एक मौका दे। तो आम आदमी पार्टी चूंकि दिल्ली में उसने अपना काम करके दिखाया है और लगातार चुनाव जीती है, तो स्वाभाविक है कि उसके मैदान में उतरने से जो दिल्ली और आसपास का इलाका है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, आते जाते हैं, तो वो इन सब अनुभवों को जानते हैं और उस पर असर डाल सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी भले आज उत्तर प्रदेश में अभी छोटी पार्टी है, अभी उनके पास कोई सभासद और विधायक तक नहीं है, लेकिन उनके चुनाव में उतरने से बहुत सारे समीकरण गड़बड़ाएंगे, बदलेंगे। और ये भी देखना होगा कि केजरीवाल ने आज इस बात का कोई ऐलान नहीं किया कि वो अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे, तो वो गठबंधन का भी विकल्प उन्होंने खुला रखा है। हो सकता है कि वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके भी आगे सामने आए जी। लेकिन बड़ा ऐलान ये है कि वो 2022 विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय सिंह जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 का चुनाव वो उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जैसे हमने बेहतर स्कूल दिया यूपी में, क्यों नहीं हो सकता? लाइट हम देते हैं यूपी में, क्यों लाइट बिना पावर कट नहीं आ सकती? इन बातों को इंगित करते हुए उन्होंने कहा लड़ेंगे चुनाव। क्या तैयारी है आपकी? देखिए, यूपी की जनता वहां सरकारी व्यवस्था की बदहाली से पूरी तरह से त्रस्त है। बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, रोजगार हो, हर मुद्दे पर आज योगी सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। और एक साफ संजय सिंह जी, आप अपनी बात यहीं से पूरी कीजिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो दर्शकों को सुना देते हैं, आप यहीं से अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। अपने में भी नहीं सोचा था कि देश भर से लोगों का इतना प्यार और इतना विश्वास मिलेगा। इन 8 सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 3री बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए, यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में यानी बड़ा ऐलान किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और उन्होंने संजय सिंह जी एक चीज कही कि बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से आए उनके पास,
तब जाकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि चुनाव लड़ना चाहिए, यानी जनमत संग्रह लोग चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़े। ये बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि उत्तर प्रदेश की जनता बदहाली से जूझ रही है, शिक्षा की, चिकित्सा की, कानून व्यवस्था की, रोजगार की, तमाम समस्याओं से जूझ रही है, और इसलिए वो एक ईमानदार विकल्प चाहती है। वो विकल्प आम आदमी पार्टी है, वो विकल्प अरविंद केजरीवाल का ईमानदार नेतृत्व है जो दिल्ली में हमने दिया है और देखा कि किस तरह से यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ, किस तरह से मुफ्त बिजली देने का फैसला दिल्ली की सरकार ने किया, पानी मुफ्त देने का फैसला किया, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो यहाँ पे दोगुना की, गेस्ट टीचर की तनख्वाह यहाँ दोगुना की, आंगनबाड़ी की तनख्वाह यहाँ दोगुना की, और तमाम सुविधाएं देने के बाद दिल्ली की सरकार मुनाफे का बजट देती है। जब हम आए तो 32,000 करोड़ का बजट था, आज 62,000 करोड़ का हमारा बजट है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इन्हीं सबको आधार बनाते हुए आप दिल्ली के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। ऐलान तो ये किया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कि अब उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेंगे। बहुत सरकारें देखी, जनता त्रस्त हो गई, ये कहना है अब हमारी बारी, ऐसा उन्होंने कहा और ऐलान किया। क्या कहेंगे इस पर राजनीतिक टिप्पणी आपकी कांग्रेस की तरफ से? देखिए राहुल भाई, चुनाव लड़ने का हक सबको है, केजरीवाल जी आए उनका स्वागत है, लेकिन एक चीज तो देखनी पड़ेगी ना कि ये लोग चुनाव कहाँ लड़ने जाते हैं, सत्ता बनाने के लिए या सेवा करने के लिए। पंजाब में गए, पंजाब में किसान बिल का समर्थन करते हैं और नाटक करते हैं विरोध करने का। गोवा में गए, अराजकता फैलाने गए। दिल्ली में इन्होंने क्या किया, आपने दिल्ली के दंगों में सब देखा, अब उत्तर प्रदेश में भी लोग देखेंगे। यानी कथनी और करनी में अंतर है, सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, हमारे पास समय का अभाव इसलिए आपको रोक रहे हैं। और इस वक्त नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। नवीन श्रीवास्तव जी आपके साथ 2022 में एक और दल खड़ा है चुनाव लड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे 2022 में, चूंकि यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है। रामायण में आपने एक चरित्र सुना होगा मारीच। हाँ बिल्कुल, और ये अरविंद केजरीवाल मारीच है। कोरोना संकट काल में इसने कहा कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर है 4 लाख लोगों को भोजन देंगे, और उनको आधी रात को यूपी बॉर्डर पर छोड़ दिया है। किसानों के आंदोलन में किसान बिल को जियो जारी कर दिया, किसानों के बीच में जाके नेतागिरी कर रहे हैं। तो प्रदेश और देश की जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को चरित्र को जान रही है। उत्तर प्रदेश में आए, स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको इतनी बुरी शिकस्त देगी कि फिर ये राजनीति नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया नवीन श्रीवास्तव जी। नवीन श्रीवास्तव जी का कहना है कि चाल चरित्र और चेहरा में बड़ा फर्क है आम आदमी पार्टी के, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वागत भी किया नवीन जी ने, कहा कि स्वागत है, विधानसभा चुनाव वो भी लड़े। आगे बढ़ेंगे, मुजफ्फरनगर आपको लिए चलेंगे, चूंकि यहां से भी एक अहम खबर है। महिला खिलाड़ी से रेप हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न हुआ है। तमंचे के बल पर महिला खिलाड़ी से दुष्कर्म हुआ, आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए, ब्लैकमेल करके 4 साल तक दुष्कर्म करता रहा, और 4 साल तक ये महिला चुप रही। सवाल इस पर भी है, महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है। महिला खिलाड़ी से गैंग